सोलन में अतिक्रमण हटाने की जमीनी हकीकत का मुआयना करने के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अनूप रतन सोलन पहुंचे और माल रोड सहित मिनी सचिवालय रोड पर तोड़े गए अतिक्रमण को देखा। उनके साथ एसडीएम सोलन एकता काप्टा तथा नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले एक माह से भी अधिक समय से सोलन में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था। उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के बाद शहर में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। इसमें प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अतिक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। अतिरिक्त एडवोकेट जनरल के समक्ष भी एक व्यक्ति ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मकान को गलत तोड़ा गया है, जबकि उन्होंने अपनी भूमि में मकान बनाया है। इस पर जवाब देते हुए अनूप रतन ने उन्हें 15 सितंबर को जनहित याचिका की अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले वे सोलन में अतिक्रमण पर किए जाने वाली कार्रवाई का मुआयना लेने पहुंचे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन व अन्य विभागों की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत अच्छी तरह से अतिक्रमण को हटाने का कार्य चल रहा है। CWP 944 of 2016 में उच्च न्यायालय ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं इस सारे एनक्रोचमेंट जो डिप्टी कमिश्नर सोलन ने एफिडेविट दायर कर कहा था कि हमने 83 एनक्रोचमेंट्स मेन रोड पर और 19 एनक्रोचमेंट्स सेक्रेट रोड पर हटाई हैं, उनका देखने के लिए मुझे हाई कोर्ट ने आदेश किए थे। तो आज मैंने वो विजिट किया और मैंने पाया कि सरकारी अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों की अक्षरश अनुपालना की है और उन्होंने जहां तक हो सका सोलन शहर की मैक्सिमम अधिकतम एनक्रोचमेंट्स को रिमूव कर दिया है। जैसे कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन, मैंने उनको भी ये सलाह दी कि CWP 944/2016 में वो पार्टी बनकर 15 सितंबर को अगली डेट है, उस तारीख पर आकर अपना पक्ष न्यायालय में रख सकते हैं।